गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। गया गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में मैं आप लोग को कुछ बता दूं। गया गाइडेंस प्रोग्राम पिछले वर्ष से गया डिस्ट्रिक्ट में संचालित हो रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरमीडिएट की कक्षाएं भी संचालित की जा रही है। इंटरमीडिएट की कक्षाएं में हम आपको जो अभी बच्चे मैट्रिक पास किए हैं और इंटर का एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ इंट्रोडक्शन कर दूं कि इंटर में, मैट्रिक के बाद इंटर में थ्री स्ट्रीम स्टार्ट होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस में दो स्ट्रीम हो जाता है, साइंस में जिसको ISC भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत में मैथ का ग्रुप और बायो का ग्रुप, बायोलॉजी। मैथ वाले को फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो वाले भी सेम चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री, साथ में एक्स्ट्रा में मैथ रखते हैं। अब तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में सारे सब्जेक्ट का कोई ये नहीं रहा, कोई भी अपना भी सब्जेक्ट को कोई भी चूज कर सकता है, लेकिन भविष्य के लिए साइंस का स्ट्रीम के लिए साइंस को ही रखना उचित रहता है। अभी आज मैं आपको मैथ क्लास में लेकर के चलता हूँ, जिसमें मैं आपको इंटरमीडिएट कक्षाएँ में मैथ में क्या उसका कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको फैमिलियर कर दूँ, क्योंकि आज आपकी पहली कक्षा है, इसके पहले आपने इंटर का मैथ को देखा नहीं है। इंटर में हम सबसे पहले 11th और 12th दोनों की बात कर लें। बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होगी इसमें 12th के क्वेश्चन आएंगे, परंतु बेसिक जो आपका स्ट्रेंथ है वह 11th से ही प्रारंभ होता है। आपका IIT इंजीनियरिंग या डिफेंस के जो एयरफोर्स हैं, नेवी हैं, ये जितने भी कंपटीशन हैं उसमें बेसिकली 11th के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। 11th के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको मैथ का जो बेसिक फाउंडेशन है, त्रिकोणमिति और अलजबरा, ये दोनों बहुत मजबूत होनी चाहिए। बचपन से आपने अलजबरा को पढ़ा है ना, क्लास 3 से ही अलजबरा को स्टार्ट कर दिया जाता है और आपको क्लास 9 में त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया जाता है। पहले कुछ साल पहले सेट थ्योरी भी क्लास 10 में था, लेकिन सेट थ्योरी की अभी क्लास 10 से हटा दिया गया है और अभी क्लास 11 में डाल दिया गया है। हम आपको इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं कि आपको मैथ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लोग मैथ के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि मैथ बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी होता है, लेकिन मैथ कुछ भारी नहीं है, बल्कि इसके लिए आप इनिशियली रूप से चलें, फाउंडेशन से अगर आप चलेंगे तो मैथ आपको बहुत आसान होगा। हम आपको कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर के चलते हैं। जो हमारा मैथ का कोर्स स्ट्रक्चर है 11th क्लास में, और इसी स्ट्रक्चर को हम 12th क्लास में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11 मैथ का, तो ये जो है 1 पेपर होगा और वह 3 घंटे की होगी। आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट सरकार के द्वारा दी जाती है, तो 3 आवर्स एंड 50 मिनट्स का एग्जाम होगा आपको, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 होगा, है ना, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें हम अभी इस पेपर को पढ़ने के लिहाज से हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है ना, जो Part 1 और Part 2 के रूप में आएगा। NCERT के बुक में एक ही पुस्तक में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छी बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप कोई जो बाज़ार में KC सिन्हा का सीरीज है, RD शर्मा का बुक्स है, उसको आप रिफ़र कीजिए और उससे जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। हम सबसे पहले इसमें चलते हैं
पहला जो हमारा यूनिट है वह सेट एंड फंक्शन है। सेट थ्योरी के अंतर्गत में आपको 3 चैप्टर्स मिलेंगे, सेट्स मिलेंगे, रिलेशन मिलेंगे और फंक्शन मिलेंगे, है ना। इसके अंतर्गत में सेट एंड फंक्शन में 3 चैप्टर्स हैं, सेट्स, अबाउट सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। यूनिट सेकंड जो है हमारा, सॉरी, सेट एंड फंक्शन से आपको 29 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 29 क्वेश्चन में हम आपको ये बता दें कि सेट एंड फंक्शन के अलावा इसी में त्रिकोणमिति भी जो है थोड़ा सा पार्ट जो है जुड़ा हुआ है। जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ त्रिकोणमिति है वह इसके अंतर्गत में है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन के रूप में, जो 29 मार्क्स का आएगा टोटल। इसके बाद अलजबरा जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर का जो अलजबरा है थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का अलजबरा है, लेकिन जो भी फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है सबका इसमें यूटिलाइजेशन है। अलजबरा से आपको 37 मार्क्स का आएगा। आप देख सकते हैं कि जितने चार्ट हैं उस सब में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है अलजबरा से है, 37 मार्क्स है। इसी प्रकार से हम आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। क्लास 10 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उससे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं इसमें, और इसमें 13 नंबर का मार्क्स जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा। कैलकुलस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फोर्थ यूनिट जो मेरा जो है कैलकुलस, वह ओनली 6 मार्क्स का है, लेकिन यह कैलकुलस जो है यह आपका मैथ का फाउंडेशन है। IIT करना चाहते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी करना चाहते हैं, विदाउट कैलकुलस, विदाउट अलजबरा, विदाउट त्रिकोणमिति आप नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। यह बहुत आवश्यक है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स हम बता रहे हैं आपको। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स जो क्लास 11 में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैथ का। हेलो, ठीक, कैलकुलस जो है आप, ओके, कैलकुलस जो है ओनली 6 मार्क्स का है यहाँ पर, जिसमें हम सिर्फ इसमें लिमिट के बारे में चर्चा करते हैं, अबाउट लिमिट क्या है उसके बारे में सिर्फ चर्चा होगा कैलकुलस में, और थोड़ा सा पार्ट जो है डिफ्रेंशिएशन सा भी आएगा। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ओनली 3 मार्क्स का है, बहुत सारा सिंपल है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ऐसा ही रीजनिंग टाइप का है। अब हमने मैथ में आपको क्लास 10 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, वहाँ पर मात्र एक ही चैप्टर में दोनों था, 3 से 4 चैप्टर में सब कुछ हो गया था, अगर हम लोग केसी सिन्हा का बुक का अगर करें तो। इसमें यहाँ पर 12 मार्क्स का है, थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल अबाउट कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। अब हम चलते हैं आपको सेट एंड फंक्शन में, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर मोबाइल होगा तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप रख सकते हैं, ठीक है, ओके। आवाज जा रही है, ठीक है, ठीक है। हम अब बात करते हैं सेट एंड फंक्शन, जो हमारा यूनिट 1, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो है हमारा वो यूनिट 1 और यूनिट 2 से मिला हुआ है। पार्ट 1 में सेट एंड फंक्शन आएगा, जिसके अंतर्गत में सेट से फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में है, और जो थर्ड चैप्टर जो है वह त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर हम बता दें आपको 11th क्लास में आपको त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, आपने क्लास 10 में त्रिकोणमेट्रिक रेशियो पढ़ा था। हेलो, हेलो, छः चैप्टर नहीं है, 6 यूनिट है। चैप्टर तो आपको बुक के ऊपर डिपेंड करता है, आप पे जितना सारे बुक को आप प्रीफर करेंगे उस पर चैप्टर डिपेंड करेगा। हर एक चैप्टर में अलग अलग, हर एक बुक जो है, जो जैसे केसी सिन्हा की बात करें, RDA शर्मा की बात करें, अगर NCERT की बात करें तो NCERT जो है थोड़ा सा कम पार्ट में है, लेकिन बाकी अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं, आप जानते हैं ना कि मैथ क्या है, एक प्रैक्टिस है। मैथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको होगा। तो हमें यहाँ पर चलते हैं एक्सरसाइज 3 में, हाँ PDF मिलेगा, इसको PDF मिलेगा, इसके साथ ही साथ जो NCERT के बुक्स है उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, और उस क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे आपको PDF में, ठीक है।
हाँ हाँ यही यूनिट रहेगा। देखो बाजार में ना बहुत सारे बुक हैं, बाजार में बुक की कमी नहीं है, लेकिन आप अपने पॉकेट मनी के अलाव करते हुए और फ्यूचर में आपने क्या डिसाइड किया है, आईआईटी इंजीनियरिंग या ओनली आईएससी, है ना? अगर ओनली आईएससी करना है तो एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी है, लेकिन उससे अगर अच्छी तरफ चलना है तो आपको इसके लिए आपको केसी सिन्हा का सीरीज तो जरूर बना लें, आरडी शर्मा का बुक्स जरूर बना लें। तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ें, त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति जो है आपका बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है। यहां पर बिना विदाउट त्रिकोणमिति का आपका क्लास 12 नहीं हो पाएगा, क्लास 12 में जो कैलकुलस है इसके बिना नहीं हो पाएगा, त्रिकोणमिति के बिना नहीं हो पाएगा। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम अभी आपको बताया था कि क्लास 10 में आप त्रिकोणमिति में त्रिकोणमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, यहां पर हम फंक्शन को पढ़ेंगे और फंक्शन के अंतर्गत में एंगल एंड देयर मेजरमेंट सबसे पहला चैप्टर आएगा, सेकेंड चैप्टर जो है त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स आएंगे। आपने ग्राफ जो है मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा, ग्राफ के बारे में पढ़ा है ना मैट्रिक क्लास में? हाँ, लेकिन वह जो ग्राफ था वह अलजबरा का ग्राफ था, यहां पर जो है त्रिकोणमेट्रिक का ग्राफ होगा। त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन जो है आपको चैप्टर 3 में आएगा, जिसमें हम कंपाउंड एंगल के बारे में बताएंगे, मल्टीपल एंगल के बताएंगे और सब मल्टीपल एंगल के बारे में बताएंगे। उसके बाद चले आए हम त्रिकोणमिति में है चैप्टर नंबर 4 में, तो हमको त्रिकोणमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में हमको साइन एंड कोसाइन फार्मूला पढ़ना होगा एंड देयर एप्लीकेशन पढ़ना होगा। तो त्रिकोणमिति के बारे में कोई और किसी प्रकार का प्रॉब्लम अभी है तो पूछो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अलजबरा की ओर। अलजबरा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप क्लास 10 में भी देखे हैं, चैप्टर नंबर 4 जो है लीनियर इनक्वालिटीज है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, चैप्टर नंबर 6 बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंडेक्स, एंड चैप्टर नंबर 7 सिक्वेंस एंड सीरीज में एपी के बारे में आपने क्लास 10 में पढ़ा है, यहाँ पर जीपी जो है हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है सम इम्पॉर्टेंट सीरीज है, इसके बाद भी एपी और जीपी के बाद भी सीरीज जो है हमारा बाइनोमियल थ्योरी, इसके बाद एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज, लॉग के बारे में थोड़ा सा पार्ट हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ा था। अब हम बुक नंबर 2 की बात करें, ये इतना सारा जो है बुक नंबर 1 में मिलेगा, बुक नंबर 2 में हमको यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट होगा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, जो ओनली 13 मार्क्स का होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हम लोग क्लास 10 में भी देखा है, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग क्लास 10 में देखा है, यहाँ पर हम लोग कॉनिक सेक्शन के ऊपर ज़्यादा प्रीफर करेंगे। कॉनिक सेक्शन से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये 4 पार्ट में हम इसको कॉनिक सेक्शन को बांट करके पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में 3D डायमेंशन थ्योरी जो है इसके बारे में। हेलो, हाँ बोलिए। अगर आप एनसीईआरटी के बुक लेते हैं तो एक ही बुक लेना होगा, लेकिन अगर आप केसी सिन्हा, आरडी शर्मा इत्यादि का अगर बुक लेना चाहते हैं तो 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, या चलते हैं हम लोग यूनिट 4 के ऊपर, जो कैलकुलस है। कैलकुलस में हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ेंगे और डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने दीजिए। इसके बाद है हम लोग चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग जो है थोड़ा सा पार्ट है, उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोग चर्चा करें। तो ये था बेटा आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम जो है आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे और त्रिकोणमिति में हम आते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज त्रिकोणमेट्री। अभी तक आपने जो क्लास 10 में पढ़ा था त्रिकोणमेट्री, वह प्लेन त्रिकोणमेट्री था। क्लास 10 का जो त्रिकोणमेट्री था वह प्लेन त्रिकोणमेट्री था। यहाँ पर हम त्रिकोणमेट्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि हमारा जो भारत देश है ऐसे ही इसको महान नहीं कहा जाता है। हमारा भारत, आवाज आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कहीं से आवाज आ रहा है। हमारा भारत जो है बहुत ही महान है।
त्रिकोणमिति का स्टार्ट जो है सबसे पहले हमारे इंडिया में हुआ था, एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स जो हम लोग आर्यभट्ट जो 476 ईस्वी पूर्व भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर एंड ब्रह्मगुप्त, ये चार हमारे गणितज्ञ का नाम जो है आर्यभट्ट भास्कर फर्स्ट भास्कर एंड ब्रह्मगुप्त इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको दिए थे त्रिकोणमिति में। मिडिल इंडिया की बात अगर हम करें तो उस समय हमारे नॉलेज को दुनिया वालों ने ठुकरा दिया था, लेकिन ये जो है हमारा जो मैसेज था जो वह यूरोप में गया, लेकिन यूरोप में जो ग्रीक जो है इसको स्टार्ट किया, लेकिन ग्रीक का जो अप्रोच था वह बहुत ही भारीपन से जुझा हुआ था। फिर अंततः जा करके हमारा इंडियन अप्रोच जो है इमिडिएटली जो है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया। इसमें सबसे पहली बात हम करें भास्कर फर्स्ट, भास्कर फर्स्ट ने ही आपको साइन का फॉर्मूला दिया था और मेजरमेंट ऑफ एंगल मोर देन 90 डिग्री के बारे में हमारे भास्कर फर्स्ट ने ही बताया था। 16 सेंचुरी में मलयालम वर्क जो है युक्ति भाषा पीरियड में सबसे पहला जो है एक्सपेंशन ऑफ साइन ए प्लस बी, जो अभी हमने कंपाउंड एंगल के बात किया था, कंपाउंड एंगल के बारे में हमारा इंडियन के जो है युक्ति भाषा में है इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन में इन्होंने 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री 72 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे यह हमारे भास्कर सेकंड ने दिया था। तो ये था हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम जानना चाहेंगे कि भारतीय त्रिकोणोमेट्री है क्या। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हम ये जान जाएं कि वह भाटिज कि हम जो जहां जा रहे हैं वह क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यह त्रिकोणोमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, त्रिगोनो और मेट्री। त्रिगोनो मीन्स थ्री एंगल्स एंड साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। हम आपको बता दें, साउंड नहीं जा रही है क्या? त्रिकोणोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies triangles and the relationship between the length of their sides and the angle between those sides. दो साइड्स को मिलाने के बाद एक एंगल बनता है, उस एंगल और साइड के मेजरमेंट को हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। जैसा कि हम अब बताना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। हेलो, वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक। हम यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर देखो, हम सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोग एंगल के ऊपर चलेंगे। व्हाट इज एंगल? एंगल हम एंगल को समझने के लिए हम इस प्रकार से अगर हम देखें कि ये मेरा ये हाथ है जो वन स्ट्रेट लाइन है ना, ये मेरा वन स्ट्रेट लाइन है, दैट इज इनिशियल साइड है ना। इस हाथ को हम इनिशियल साइड समझें और इस हाथ को हम रिवॉल्व करते हैं एट ए फिक्स पॉइंट है ना। आप ये देख सकते हैं कि हमने हाथ को रिवॉल्व किया और इस रिवॉल्यूशन के द्वारा हमारा हाथ जो है टर्मिनल पोजीशन के पास पहुंचा और ये टर्मिनल साइड हम इसके बोलेंगे। उठा हुआ हाथ जो है मेरा वह टर्मिनल साइड है और जो पड़ी हुई हाथ जो है दिस इज माय इनिशियल साइड। और ये दोनों के द्वारा जिस पाइवट के ऊपर जिस बिंदु के ऊपर मेरा जो केहुनी रखा हुआ है वह पॉइंट जो है मेरा वह इसका रिवॉल्विंग पॉइंट है, ठीक है। अब इस फोटो नहीं जा रहा है, ठीक है, वीडियो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो झुकाव है दिस इज एंगल। तो एंगल क्या है बेटा? एंगल है द मोशन ऑफ एनी बी रिवॉल्विंग लाइन इन ए प्लेन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन इनिशियल साइड टू द फाइनल पोजिशन टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एंगल। एंगल का जो फिक्स पॉइंट है जिस पर हमारा रोटेट करता है दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल। हम यहां पर बोर्ड पर थोड़ा सा समझ लें इसको। बोर्ड पर हम समझ लें इसको, ये दिस इज माय लाइन, ये लाइन है या हमारा जो है इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल साइड हम इसको बोले।
और एक ये बिंदु है, पॉइंट है, दिस इज ओ, है ना। इसके ऊपर हम फिर से हम रिविजन कर रहे हैं इसको, ये देख रहे हैं आप, एक हम पॉइंट लिया, एक लाइन लिया है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इस लाइन को हम ये रिवोल्व कर रहे हैं, इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। घुमाने के बाद मेरा जो है इस प्रकार से ये घूमेगा और ये मेरा पॉइंट पहुंच गया, ठीक है। ये मेरा लाइन जो है ये पहुंच गया, ये हो गया। हम इस एंगल के ऊपर चलते हैं, ठीक। हेलो, तो ये जो है इसका, ये जो पॉइंट है इसका टर्मिनल साइड हो गया, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। और ये दोनों के बीच में जो बना हुआ जो है झुकाव, दिस इज एंगल, ये एंगल है। तो एंगल क्या है? द मोशन ऑफ एनी रिवॉल्विंग लाइन इन ए प्लेन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन दैट इज कॉल्ड इनिशियल साइड टू द फाइनल पोजिशन दैट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एंगल। अब हम एंगल के मेजरमेंट के ऊपर चलेंगे, मेजरमेंट के ऊपर चलेंगे, हाउ टू मेजर द एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं घड़ी की, है ना। आपने घड़ी देखा होगा, हम यहां पर घड़ी बना रहे हैं, ठीक है। ये दो घड़ी है, अगर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी हमारा इधर की ओर चलता है, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। और अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलें, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम रोटेशन की हम बात कर रहे थे, अगर हम रोटेशन को इधर से इधर की ओर चलें, डाउन टू अप, ब्लैकबोर्ड के हिसाब से हम डाउन टू अप अगर हम चलते हैं, हमारा ये टर्मिनल पोजीशन मिला, दिस इज टर्मिनल साइड। तो ये जो एंगल होगा, जो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हम चल रहे हैं, यहां से हम चल रहे हैं किसके, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव एंगल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव एंगल। और इसी को अगर हम निगेटिव की ओर चलें, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें इधर की ओर, तो हमारा क्या होगा, इधर से इधर की ओर चलेंगे, तो दिस एंगल इज कॉल्ड निगेटिव एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा, निगेटिव एंगल कहलाएगा। और ये एंगल क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। सपोज दैट हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो ये मेरा जो है पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज में होगा तो निगेटिव होगा। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हम कर लें यहां से यहां तक पूरा, तो यह एक एंगल बनाएगा, वह 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको मेजरमेंट करने का सिस्टम के ऊपर, मेजरिंग सिस्टम। मेजरिंग सिस्टम की ओर हम चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमारे पास थ्री सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है वह थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम जिसको हम बोलते हैं सेंटेसिमल, दूसरा सिस्टम जो है इंग्लिश सिस्टम जिसको बोलते हैं सेक्सा डेसिमल,
और तीसरा सिस्टम जो है मेरा वह है सर्कुलर सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा बात कर लें फ्रेंच सिस्टम के ऊपर। तो फ्रेंच सिस्टम में हमारा जो वन राइट एंगल जो है, वन राइट एंगल को 100 ग्रेड में बांटा गया, जी इज कॉल्ड ग्रेड। वन ग्रेड को 100 मिनट में बांटा गया और 1 मिनट को 100 सेकंड में बांटा गया। यह हमारे फ्रांस वाले लोगों ने इसके सिस्टम को डेवलप किया था। अभी तक हम लोग जानते हैं वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन हमने उसको डिग्री में पढ़ा था। अब ये नई चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने इसको ग्रेड में बांटा है। अब हम आगे हम चलते हैं इंग्लिश सिस्टम में। तो इंग्लिश सिस्टम में वन राइट एंगल इसको बांट दिया गया 90 डिग्री में। दिस इज कॉल्ड डिग्री। और 1 डिग्री डिवाइडेड इंटू 60 मिनट एंड 1 मिनट डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड। तो ये हमारे इंग्लिश सिस्टम में इसको 90 डिग्री में बांटा गया वन राइट एंगल को। अब बांटने का मतलब क्या है, हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था, यहां से लेके यह तक ये 90 डिग्री है, इसको 90 भाग में बांट दिया गया है ना, ये 90 पार्ट्स में बांट दिया गया और 1 पार्ट्स जो है उसका डिग्री कहलाया। अब हम सर्कुलर सिस्टम में बात करें तो सर्कुलर सिस्टम में एक यूनिट सर्कल हम लोग लेते हैं। यूनिट सर्कल कहने का मतलब है कि उसमें हमने हमारा जो रेडियस होगा वह 1 यूनिट होगा। यह हमारा सेंटर हो गया, सेंटर के ऊपर हमने एक रेडियस लिया, इस रेडियस से 1 यूनिट आर्क को मैंने काटा। दिस इज आर्क 1 यूनिट और ये भी जो है 1 यूनिट होगा और इस आर्क को मिला दें तो ये मेरा रेडियस फिर से हो गया। तो इसके बीच में जो बना हुआ एंगल है वह थीटा होगा और वह सर्कुलर सिस्टम में हमारा थीटा बराबर एल वाई आर होगा, लेकिन इसमें जो थीटा होगा वह मेजर होगा रेडियन में। तो यहाँ पर दो चीज आपको सामने सामने दिख रहा है, डिग्री और रेडियन। तो ये हमारा मेजरमेंट सिस्टम जो है, 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम हुआ, लेकिन हमें अब फोकस करना है सिर्फ सर्कुलर सिस्टम के ऊपर और राइट एंगल 90 डिग्री के ऊपर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री जो है वन रेवोल्यूशन, अभी हमने बताया था कि वन रेवोल्यूशन में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए हम इसको चलें, तो दिस इज माय कंप्लीट रेवोल्यूशन। इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को अगर 360 भाग में हम बांट दें वन कंप्लीट रेवोल्यूशन डिवाइडेड इंटू 360 पार्ट, यानी 1/360 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को अगर हम 360 भाग में बांट दें तो दिस इज माई 1 डिग्री। तो वह हमारा कितना होगा, 1 डिग्री होगा। तो अभी हम बता रहे हैं कि हमारा डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री मतलब 1 रेवोल्यूशन का 360 भाग। अब हम इसी को हम दूसरे पार्ट की ओर चलें। हमने अभी तक बताया था कि दिस इज 0 डिग्री और यहीं पर हो जाएगा 360 डिग्री। इसके आगे हम आए तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम इस डिग्री में हमने बताया कि मतलब 360 पार्ट, वन रेवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री।
अब इसको हम रेडियन के ऊपर चलते हैं। हमने अभी बताया था थीटा बराबर एल वाई आर, तो एल हमारा क्या है, एल मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अभी हम बात करें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मीन्स 2πr डिवाइडेड बाई आर, तो कितना मिलेगा हमको 2π, r से r कट जाएगा, मिलेगा हमको कितना 2π। यानी अगर हम रेडियन में अगर हम बात करें तो वन रेवोल्यूशन इक्वल टू 2π। दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन डिवाइड कर दें तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन तो कितना हो जाएगा 2π बराबर 360 डिग्री। तो यानी पाई रेडियन, रेडियन को सी से सिंबल करते हैं, ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हम डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर इसी को हम थोड़ा सा अब पीछे की ओर घुमा दें तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। यह रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अब हम यहां पर हम बात करेंगे कि पाई का जो मान है वह कितना होता है, 22/7 होता है। यहां पर अगर हम पाई का मान बैठाएंगे तो 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 डिग्री का मान 57, 1 रेडियन का मान हो जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट अप्रोक्स 45 सेकंड। तो इसको हमने अभी तक निकाला कि 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड। पाई का मान अगर हम रखेंगे 22/7 तो कैलकुलेशन करके आएगा। अब हम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम को ऊपर चलते हैं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम 30 डिग्री कैसे बनाएंगे इसको। अभी अभी हमने फार्मूला दिया था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। हमें कितना का निकालना है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुना 30 रेडियन। काट दें इसको 6, कितना हो जाएगा ये पाई बाई 6 रेडियन। सबको समझ में आ गया होगा कि 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, पाई रेडियन को फॉर्मूला के ऊपर सेटअप करेंगे। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। अब हम 30 डिग्री का निकालेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई होगा, जो आपने बचपन में एकक का नियम पढ़ा होगा उसके मुताबिक 30 से इसको 180 को काट दिए तो 6 हो गया, यानी पाई बाई 6 रेडियन हो गया। सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर हम चलते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री में सेम चलेंगे उसी तरह से, यहां पर हो जाएगा 45।
काट दें, कितना बार कट जाएगा? चार मरतबे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? पाई बाई फोर रेडियन। तो ये हमारा सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम जो आएगा बुक में वह आएगा डिग्री टू रेडियन चेंज। तो हमने डिग्री से रेडियन को चेंज कर दिया। अब हम डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, जब अगले प्रॉब्लम की ओर हम चलते हैं, जिसमें हम लेते हैं 45 डिग्री 20 मिनट, 45 डिग्री 20 मिनट हमने ले लिया। कितना लिया? 45 डिग्री 20 मिनट। तो 45 डिग्री 20 मिनट को हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको एक यूनिट में लेकर के आएंगे, है ना। हमारा सबसे पहला काम होगा इसको हमको एक यूनिट में लाना होगा। तो वह हो जाएगा 45 डिग्री का, तो डिग्री में हो गया। अब 20 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे 20, अभी हमने बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डैश जो है वह मिनट का है, सेकंड डैश जो है वह कोई भी संख्या हम यहाँ पर रख लें वह सेकंड का है, और ऊपर में अगर डिग्री रहेगा तो यह डिग्री का है। तो एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20/60 डिग्री, यानी हमारा हो जाएगा ये 45 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। तो जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 45 पूर्णांक 1/3, है ना। आप इसको गुना कर दें तो आ जाएगा 5 × 15 = 5, 126 नहीं, 5 × 15 = 5 हो जाएगा, हाथ में 1 × 12 = 13, 135, और 1 हो जाएगा 136/3 डिग्री। अब इसको सेम प्रॉब्लम की ओर हम लोग चलेंगे, जिस प्रकार से हमने 30 डिग्री 45 डिग्री को किया था उसी प्रकार से करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 136/3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बटे 180, ठीक है। अब इसको काट देंगे, कटेगा तो कटेगा, नहीं तो 10 × 10 लिख देंगे, 18 × 54 पाई रेडियन। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हम एक प्रॉब्लम और देते हैं, 5 मिनट और है ना। तो अब हम इसको चेंज करते हैं रेडियन से डिग्री में। रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला हम एक प्रॉब्लम ले लें। जैसे अगर हम बोलते हैं पाई बाई टू रेडियन को कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में, तो सबसे पहले हम एक ही फार्मूला याद रखेंगे जो हमको याद है, क्या? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इस फार्मूला से चूंकि हमको पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री हो जाएगा। हमें निकालना है किसका? पाई बाई टू रेडियन का। तो 180/πx/π/2 डिग्री, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, कितना हो जाएगा यह? 90 डिग्री। तो पाई बाई टू रेडियन का मान कितना होगा? 90 डिग्री। झट से एक क्वेश्चन और हम लोग देख लें, पाई बाई थ्री का अगर हम ले लें तो सेम प्रोसेस चलेंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180/πx डिग्री। तो पाई बाई थ्री रेडियन, यहां पर 3 हो जाएगा, इसको काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कटेगा या तो यह हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। इस प्रकार से आज हम लोगों ने डिग्री
हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। अगली कक्षा में हम लोग बाच और रिवोल्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।